हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आज है कि वॉल मिक्सचर जो है दीवार में लगा हुआ है ऑलरेडी, देखिए ये पुराना हो चुका है मिक्सचर। ये ESS का लगा था लेकिन ये पुराना हो चुका है। हम अभी इसको एक दूसरा कंपनी का डालेंगे, जिसके उसे हम कैसे इसको रिप्लेस करना है इसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, पहले देखिए मैंने एक जगुआर का जो है ये मिक्सचर है, ये 2-in-1 मिक्सचर है। फ्रेंड्स देखिए, ये भी 2-in-1 लगा हुआ है, तो ये 2-in-1 मिक्सचर जो है हमको ये रिप्लेस करेंगे। मैंने अभी ये जगुआर का ले चुके हैं, अब उसको कैसे रिप्लेस करेंगे इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ, रिप्लेस करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, अभी जो मिक्सचर है मैंने ऑलरेडी पानी बंद कर दिया हूँ। अभी जो पाइप में जो थोड़ा सा पानी है वो निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी पहले इसको क्या करना है, इसको खोलना है। ये रिंग पाना इसके जरिए में आप इजी से इसको पहले शावर का थोड़ा सा खोल के लूज कर देना है। फ्रेंड्स देखिए, ये मिक्सचर मैंने खोल दिया हूँ। फ्रेंड्स, अभी ये लेग को खोलने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने मिक्सचर लिए हैं उसका मेजरमेंट देख लेंगे। ये उसका शावर बैंड है। ये मिक्सर है फ्रेंड्स, ये जगुआर कंपनी का है, ये 2-in-1 है। अभी हम इसको क्या करना है, पहले जो इसका जो चेक नट है, ये जिस तरह पहले फिटिंग करना है, इसका जो लेग लगा हुआ है इससे ही एडजस्ट करने के लिए देखना है, क्योंकि ये पहले जो ESS का था वो 6.5 का था, ये 7 से ऊपर है। इसका जो प्रोविजन है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसका 7.5 इंच है और ये जो पहले का जो था, कभी भी सेंटर को सेंटर देखना है, ये 6.5 है और ये जो है 7.5, बोले तो 1 इंच डिफरेंस है। फिर भी हमको क्या करना है, इसी लेग में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्या है, ये 1 इंच को एडजस्ट करने के लिए इसका जो लेग दिया हुआ है, अभी देखो अगर हमें ये नया लेग लगाने के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो ये जो लेग है इसमें ऑफसेट थोड़ा कम है, ये 1/2 इंच को एडजस्ट कर सकता है। देखिए ये कम है और इससे पहले जो लेग लगा है इसका जो ऑफसेट है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से हम देखते हैं अगर इसी लेग में अगर ये कवर हो जाएगा 7 इंच तक प्रोविजन आया, तो इसको इसी लेग में इसको घुमा के पहले करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये दोनों का जो डिस्टेंस है थोड़ा थोड़ा घुमाना पड़ेगा पहले। अब देखेंगे, अभी थोड़ा सा आ जाएगा जैसे लग रहा है, फिर भी ज़्यादा डिस्टेंस है, और थोड़ा सा उसको एडजस्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसी लेग में ऑलरेडी बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये मिक्सचर को देखना, ये स्ट्रेट रहना कभी भी। अभी हम अगर ये हाथ से ऐसे टाइट ले करना पहले, क्योंकि कोई स्पैनर नहीं डालना है, अगर ये करेक्ट से आ गया तो फिर ये उसके बाद क्या करना है, इसका जो प्लांज है वो प्लांज डालना है।
फ्रेंड्स देखिए, इसका जो मैंने इसीलिए लेग को इसको रिप्लेस नहीं किया, किसके लिए, इसका जो ऑफसेट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हाफ इंच है। और फ्रेंड्स जो पहले का जो लगा हुआ था एसएस का है, उसका जो लेग है ये 1 इंच का ऑफसेट है, तब जाके हमारा जो 7.5 इंच है तब जाके ये कवर कर रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद जो इसका जो कवर है प्लांज है उसको डाल देंगे। कभी भी ये प्लांज के साथ वाशर भी रहता है, वाशर मिस हो जाएगा, देखना पड़ेगा उसको, वाशर को इसलिए थोड़ा सा केयर से रखना है। देखिए फ्रेंड्स ये प्लांट जो इतना हाइट कम है जिसके वजह से हमको ये लेग खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट लगाने के बाद जब वॉल को टच हो जाता, टच होने के बाद यहाँ कम से कम 1/2 इंच रहना गैप, तब ये चेक नट में आता। फ्रेंड्स ये बहुत कम है क्योंकि उसका जो प्लांट था वो पतला था, डाउन था, और ये जो है ये जागवार का है, थोड़ा सा हमको बाहर करना पड़ेगा जिसके वजह से यहाँ 1/2 इंच रखना है। दूसरा चीज़ इस तरफ का जो लेग है इसको भी देख लेंगे ये कहाँ तक रहता है। फ्रेंड्स ये चलेगा क्योंकि ये 1/2 इंच तक है, लेकिन ये नहीं है, 1/2 इंच से कम है, इसका जो लेग है हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने इसका एक लेग खोल दिया हूँ। फ्रेंड्स मैं देखो कहीं भी अगर वॉल मिक्सचर कहीं रंग से थोड़ा सा ज़्यादा विर्थ जो है ज़्यादा हो गया, 6.5-7 इंच हो गया, तो 7.5 तक हो गया, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो डिफॉल्ट आया था इसका ऑफसेट और इसका ऑफसेट देखो कितना फर्क है, इसमें कम हो सकता है एडजस्टिंग, और इसी ये जो लेग है इसमें ज़्यादा आप एडजस्ट कर सकते हो, जिसके वजह से 1.5 इंच तक आपने एडजस्ट कर सकते हो। 7.5 बजे अगर वॉल मिक्सचर 7.5 साइज है तो भी आपको इसी लेग में एडजस्ट कर सकता हूँ। फ्रेंड्स मैं इसी लेग में उसको अभी एडजस्ट करके फिर मैं लगाऊंगा, क्योंकि अगर ये लेग लगाए तो वो मिक्सचर को एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ये प्रोविजन जो था वो छोटा मिक्सचर का था और ये 6.5 इंच था, अब ये जो है 7.5 इंच है, इसलिए ये लेग को अगर नया वाले लेग को लगाया तो ये इतना ऑफसेट जो है कम है, कवर नहीं होता, इसलिए मेरे को ये लेग यूज़ करना है। कभी भी इसी तरह का सिचुएशन आया तो चाहे बेशक आपने एक लेग नया लगा के और ऑफसेट वाला लेग को थोड़ा सा आप नया एक्स्ट्रा ले सकते हो हार्डवेयर शॉप में, ये भी मिल जाएगा, आप लेके इस तरह का एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब ये टेफलन टेप देंगे तो इसको थोड़ा सा टाइट से देना, क्योंकि अगर ये टेफलन टेप लूज दिया तो बार बार आपको खोलना पड़ेगा और टाइट ठीक से नहीं होगा और लेग जो है लूज रहेगा। अब देखिए मैं दे दिया हूँ, अब इसको हम टाइट कर देंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा बाहर रखना है, थोड़ा सा बाहर करना है, इसलिए हमको एक्सटेंशन टेप नहीं लगाया मैं। चाहे तो आप एक्सटेंशन लगा के आप बाहर कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको 1/2 इंच चाहिए एक्सटेंशन डाला तो ज़्यादा बाहर हो जाता है, उस टाइम में आपको क्या करना है लेग को थोड़ा कट करना पड़ेगा। अब हम उसको जो है टाइट हो गया, अब उसको पोजीशन में रखना है। फ्रेंड्स रखने का टाइम में कभी भी मिक्सचर को थोड़ा देख लेना, एडजस्ट करके आपको बिल्कुल उसी हिसाब से रखना, रिवर्स नहीं घुमाना, रिवर्स घुमाए तो आपको लीकेज होगा। अब देखेंगे ये लगता है नहीं लगता, बिल्कुल लग रहा है। अभी ये जो है लेग लग चुका है, अब हम इसका कप लगा देंगे। ये दूसरा का है इसका प्लांज,
अब फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो दो वाशर है, वाशर भूलना नहीं है फ्रेंड्स, वाशर डाल के लगाना है, वाशर डाल के फिर आपको उसको ये हाथ से ही रखना है, बाद में थोड़ा सा स्पैनर में टाइट करना पड़ेगा। फिर अभी हमको क्या करना है, इसका जो शावर का जो हेड है उसको चेंज करना है, इसको खोल देना है पहले। फ्रेंड्स देखिए, ये जो शावर का जो हेड है इसको लगाने के बाद प्लांज डालेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स कम से कम कितना बाहर आता है। फ्रेंड्स ये 1 इंच से भी ज़्यादा बाहर आता है, यहाँ पे हमको 1/2 इंच ही चाहिए, तो इसको हमको क्या करना है, इसको 1/2 इंच कट करना पड़ेगा। कभी भी फ्रेंड्स क्या है, जब भी आपको सावर का जो साफ कट करोगे फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जागवर का क्या होता है, जितना तरफ पीछे की तरफ जितना थ्रेड रहता है उतना बाहर की तरफ रहता है, कभी भी आगे की तरफ कट नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आगे की तरफ कट करोगे तो वाशर सही से नहीं बैठेगा, क्योंकि इस तरह का फिनिशिंग आगे चाहिए ही चाहिए। आपको पीछे से 1/2 इंच कट कर लेना, जितना थ्रेड है और 1/2 इंच देखिए जितना टेपलन टेप है उतना तक रहेगा, और अब पीछे से मैंने 1/2 इंच कट कर देता हूँ। देखिए ये जो है, ये प्लांज लगाने के बाद है फ्रेंड्स, ये कभी भी देखिए प्लांज से इसका जो थ्रेडिंग है कम से कम 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना, नहीं तो 1/2 इंच रखना है, तभी जाके इसका जो चेकनट है, वॉल मिक्सचर का जो चेकनट है और बाकी जो है सावर का जो बेंड का चेकनट है, देखिए फ्रेंड्स ये दोनों का जो चेकनट है इसका जो टाइट करने के लिए 1/2 इंच ही है इसको, तो हमको थ्रेडिंग भी 1/2 इंच ही रखना है। अभी लगाने के बाद सावर बेंड को देखना पड़ेगा, ये सावर बेंड छोटा हो रहा है क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है, जिसके वजह से सावर बेंड छोटा हो रहा है, इसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी देखिए, ये कप लगाने के बाद मिक्सचर को वाशर देके टाइट कर दिया हूँ। फ्रेंड्स ये सावर बेंड है, सावर बेंड कभी भी अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा हुआ तो फ्रेंड्स, अभी देखो थोड़ा छोटा था, मैंने इसका थोड़ा सा बड़ा साइज लिए। चाहे तो अगर आपको कभी भी सावर बेंड ऐसे लगाए तो ऐसे छोटा हुआ तो समझो, आप उसको एक्स्ट्रा के हार्डवेयर शॉप में ले सकते हो, लंबा साइज भी मिलता है कट करने के लिए। फ्रेंड्स कुछ कंपनी का जो है थोड़ा छोटा साइज आता है और कुछ कुछ कंपनी का बड़ा साइज का भी आता है। अगर कहीं ऐसे सिचुएशन आया छोटा साइज का हुआ तो आप चाहे के हार्डवेयर में से ले भी सकते हो। चलो इसको हम अभी फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये वाशर जो है, ये आगे की तरफ वाशर को देना है, फर्स्ट ऊपर का टाइट करना है, ऊपर को करेक्ट से थोड़ा सा लगाने के बाद आधा टाइट करके फिर नीचे का लगाना है। देखेंगे अभी ये सावर बेंड बड़ा है या छोटा है। फ्रेंड्स ये जो सावर बेंड है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मैं पहले कट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा कट कर लिया हूँ मैं यहाँ से। कभी भी सावर बेंड का आगे की जो है वो लंबा हुआ था उसको भी थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए ये भी जो वो स्टार्टिंग में आता है लंबा आता है, आपको मिनिमम 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ऐसा बेंड जैसा दिखेगा, सही से मिक्सर लगेगा नहीं। पहले आगे की तरफ से कट करना है, इतना कट कर देना है। कट करने के बाद फिर आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे मेजरमेंट लेना है, इसको लगा के जहाँ पे करेक्ट आता है फिर देख के इसी हिसाब से देखिए, अभी ये मैं बिल्कुल परफेक्ट आता है, तो अगर आपको लगाने के बाद भी इसको लगा सकते हैं। चलिए इसको हम फिटिंग करेंगे। देखिए फिटिंग करने के बाद हम दो चेकनट को अंदर डाल देना है, फिर इसको वाशर डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स
सभी चीज़ को हाथ से पहले टाइट करना है, उसके बाद स्पैनर डालना है। एक ही बार में स्पैनर नहीं डालना है, क्योंकि आप जितना हाथ से कोशिश करोगे सही से लगाने के लिए तो अच्छा रहेगा। अब हम उसको स्पैनर में थोड़ा टाइट कर देंगे। ताकि लूज ना रहे। बस उतना ही टाइट करके रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अभी हमको पहले इसको टाइट कर देना है। इतना टाइट करके छोड़ना है, उसके बाद पानी चालू करके चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर शावर बैंड जो है अगर और ये चेक नट को थोड़ा टाइट करना पड़ा तो टाइट करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ना है। क्योंकि ज़्यादा स्पैनर का हार्ड टाइट नहीं करना, क्योंकि वाशर में वो जाम होता है। तो इस तरह चलिए मैं पानी चालू करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमारे चालू कर दे रहा हूँ शावर में, और इसके बाद चेक कर लेना है, इसमें कोई लीकेज नहीं है। और दूसरा चीज क्या है, और नीचे जो है अभी पानी का फोर्स जो है ज़्यादा है, अभी हॉट वाटर का ये है और ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर का थोड़ा सा कम ही आता है। और इस तरह का फ्रेंड्स कभी भी इस तरह का चाहिए तो आपको वार्मिस्टर ऐसे आपको रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, ये शावर बैंड जो है थोड़ा छोटा पड़ा है, मैं दूसरा शावर बैंड डाला हूँ। अगर आपको कहीं भी ऐसे सिचुएशन में आता है तो आपको शावर बैंड जो है आपको हडर शॉप में लेके इसको आपको लंबा वाला डाल सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर देना, और फ्रेंड्स लाइक तक जरूर करना। फिर आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।